हेलो भाई दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर से होंगे। आज की ये वीडियो WhatsApp के अमेजिंग फीचर के हवाले से है। आप लोगों को पता है कि WhatsApp हमेशा अपने यूज़र्स के लिए नए नए फीचर्स लाते हैं जो बहुत ही काम के होते हैं। तो आज इसी तरह के 3 नए फीचर्स WhatsApp ने रिलीज़ किए हैं जिनके बारे में हम जानेंगे कि कौन से फ़ीचर्स है। तो उससे पहले आप लोगों ने एक छोटा सा काम करना होगा। अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। उससे ये होगा आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। तो इन तीनों फीचर्स में से सबसे पहला फीचर ये है। ये बहुत अमेजिंग फीचर है। आपके व्हाट्सएप में आपके साथ कोई ऐसा पर्सनल हो, आपके व्हाट्सएप में आप किसी को छुपाना चाहते हो या उसके साथ जो आप चैट करते हो उसको छुपाना चाहते हो, आप चाहते हो कि कोई दूसरा आपके मोबाइल में वो चेक नहीं कर सके, उसको मिले ही नहीं बिल्कुल व्हाट्सएप में, तो ये ज़बरदस्त फीचर व्हाट्सएप ने लाया है जिनको ऑन करने से आप जिस को छुपाना चाहते हो उसको या उसके चैट को कोई भी आपके फ़ोन में चेक नहीं कर सकेगा। तो मैं दिखा देता हूँ व्हाट्सएप पे आप जिसको पर्सनल रखना चाहते हो आपने क्या करना है। उसी के अकाउंट में आपने जाना है, जैसे आप जाके उसके नेम पे आपने क्लिक करना है। आप जैसे क्लिक कर लोगे थोड़ा सा आपने नीचे आना है। जैसे नीचे आके ये चैट लॉक आप ऑप्शन देख सकते हो, लॉक जो ऑप्शन बना हुआ है इस पर आपने ओके करना है। आपने क्या करना है, इसको ऑन करना है। इसके लिए आपको अपने मोबाइल में फिंगरप्रिंट लाजमी लगाना होगा। तो इसको आपने ऑन करना है। जैसे आप ऑन कर लोगे अपना फिंगरप्रिंट इस पे दे दे, तो जैसे आप फिंगरप्रिंट दे दोगे ये आपका लग जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो लॉक चैट पे इसने रख दिया इस बंदे को। तो अभी जब भी आप व्हाट्सएप खोलेंगे या कोई दूसरा आपका चेक करेगा तो उसको वो बंदा नज़र ही नहीं आएगा आपके व्हाट्सएप में। अगर आप खुद उसको देखना चाहते हो तो आसान सी बात है, आपने क्या करना है व्हाट्सएप पे आना है, थोड़ा सा आपने ऐसा नीचे ले जाना है। जैसे आप नीचे ले जाओगे ये देख रहे हो लॉक चैट्स का ऑप्शन आ गया ऊपर, इस पर आपने टैप करना है। जैसे आप टैप कर लोगे अपने फिंगरप्रिंट अपना लगाना है। जैसे आप फिंगरप्रिंट लगा दोगे जो बंदा था मैंने छुपाया था उसको यहाँ पे आपको मिल जाएगा। पहले ऐसा था व्हाट्सएप में हम किसी को छुपाना चाहते थे पूरे व्हाट्सएप पे हम लोगों को पासवर्ड लगाना पड़ता था, लेकिन अभी व्हाट्सएप ने बहुत सिंपल कर दी है। पूरे व्हाट्सएप पे लॉक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल यही ऑप्शन आपने ऑन करना है। अगर आपका मोबाइल किसी के पास जाए भी तो चेक नहीं कर सकेगा। आपने जितना पर्सनल रखे हुए बंदों को जितनी चैट उनके साथ किए कोई भी दूसरा उसको चेक नहीं कर सकेगा। तो इस तरह आप अपने पर्सनल चैट को लॉक कर सकते हैं और हैड कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो दूसरा फीचर क्या WhatsApp ने रिलीज़ किया है, WhatsApp पे अननोन कॉल्स का और फेक कॉल्स का बहुत बड़ा मसला है जिनको रिप्लाई करके बात करके अक्सर आपके अकाउंट हैक हो जाते हैं। तो WhatsApp ने इन अननोन कॉल्स के लिए एक ज़बरदस्त ऑप्शन दी दी है। आपने क्या करना है WhatsApp पे जाना है, WhatsApp पे जो 3 डॉट का निशान है इस पे आपने टाइप करना है। जैसे आप टाइप कर लोगे अपने सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाके फर्स्ट नंबर पे नहीं दूसरे नंबर पे जो प्राइवेसी का ऑप्शन है इस पे आपने टाइप करना है। तो फिर आपने थोड़ा सा नीचे आना है, ये यहाँ पे कार्ड्स का ऑप्शन आप देख सकते हो इस पे आपने टाइप करना है। जैसे आप टाइप कर लोगे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑन ऑफ का, आपने सिंपल इसको ऑन करना है। जैसे आप ऑन कर लोगे इसके बाद आपके पास जब भी कोई अननोन नंबर से कॉल आएगी तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा, लेकिन उसकी हिस्ट्री आपको कॉल मेन्यू में मिल जाएगी, फिर आप तसल्ली से उसको चेक कर सकोगे। तीसरे नंबर पर जो फीचर WhatsApp ने रिलीज किया है ये भी बहुत ज़बरदस्त फीचर है। पहले जब भी आप किसी को कोई मैसेज भेजते थे तो इसमें अगर आपसे कोई गलती होती थी या स्पेलिंग मिस्टेक होता था तो आप उस मैसेज को डिलीट करके दोबारा लिख के भेजते थे, लेकिन अब WhatsApp के अंदर एडिट का ऑप्शन आ चुका है। आपने कोई भी मैसेज भेजा है आप 15 मिनट के अंदर उसी मैसेज को दोबारा एडिट करके सेंड कर सकते हैं। तो चलो मैं दिखा देता हूँ। जैसे अभी इस बंदे को मैंने मैसेज किया है, अच्छा ये मैसेज आप सिर्फ 15 मिनट के अंदर एडिट कर सकते हो, अगर 15 मिनट से गुजर गए फिर इसको एडिट आप नहीं कर सकोगे। जैसे अभी मैंने किसी को ये मैसेज किया है, ये स्पेलिंग में मेरे साथ कुछ मिस्टेक हुआ है, आपने एडिट के लिए क्या करना होगा उसी मैसेज पे आपने होल्ड थोड़ा सा रखना है, फिर ऊपर 3 डॉट का निशान आप देख सकते हो इस पे आपने टैप करना है। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक कॉपी का एक एडिट का, आपने एडिट करना है। जैसे आप एडिट कर लोगे उसी मैसेज को ये आपको ऊपर दिखा देगा कि आपने इसमें क्या चेंज करना है। मैं अपना मैसेज बराबर कर दूंगा, आप दोबारा उसको एडिट करके सेंड कर सकते हो। तो ये थे WhatsApp के 3 ज़बरदस्त फीचर्स जो इंशाल्लाह आपके बहुत काम आएंगे। तो कुछ और फीचर्स आने वाले हैं WhatsApp के, तो उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कोई फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक लाजमी देना है और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करना है। तो चलो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।